Hyundai, नाम सुनते ही मन में उमंग आ जाती है कि बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम स्टाइलिंग, बढ़िया फीचर्स लिस्ट, बेहतरीन इंटीरियर्स के साथ हमें एक बढ़िया एक्सपीरियंस वाली कार मिलने वाली है। आपके मन में क्या फीलिंग आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिएगा। आज जान लेते हैं Hyundai की अपकमिंग कार लॉन्चेस के बारे में। देखिए, Hyundai इंडिया का मार्केट शेयर इंडियन पैसेंजर का मार्केट में मारुति सुजुकी के बाद है, तकरीबन 15% मार्केट शेयर है। अगर मारुति सुजुकी कहता है वे ऑफ लाइफ, तो Hyundai इंडिया कहता है ड्राइव योर वे। Hyundai इंडिया कोशिश कर रहा है कि बाय 2020 दे कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर फ्रॉम 15% टू 20%, और इसीलिए एक सीरीज ऑफ कार लेके आने वाला है इंडियन पैसेंजर का मार्केट में। जान लेते हैं कौन कौन से मॉडल्स आने वाले हैं Hyundai इंडिया के अगले 24 से 30 महीने के अंदर, सो दैट अगर आप अपनी ब्रांड न्यू कार प्लान कर रहे हैं, यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। जो नंबर वन इमीडिएट लॉन्च है वो है Hyundai Santro का। यस, अब देखिए Santro नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, इट वुड बी अ टॉल बॉय डिजाइन कार। इनफैक्ट Hyundai ने इसके नामकरण के लिए लोगों से ओपिनियन मांगा है ताकि लोग अपने जो पसंद का उनको डिजाइनिंग क्यों लगता है वो उस गाड़ी को नाम दे सकते हैं। बट मोस्ट लाइकली नाम में बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जो पहले Santro आती थी इट वॉज नोन टू बी एज Santro Xing, अब उससे पहले आप जान लीजिए जैसे पहले Xcent आती थी उसको Hyundai ने कर दिया Xcent। तो हो सकता है नाम आपको क्लोज सिमिलर टेरिटरी में मिले, बट बी समवेयर रिजेंबलेंस टू Santro ओनली। बट एनीवे, एक टॉल बॉय डिजाइन की कार आने वाली है 1 लीटर इंजन के साथ जिसमें 68 BHP की पावर होगी, एंड द हाईलाइट वुड बी टू कम्पीट अगेंस्ट मारुति सुजुकी वैगन आर। तो Hyundai इंडिया लेके आ रहा है इस फेस्टिवल सीजन में टॉल बॉय डिजाइन कार विद प्रीमियम इंटीरियर्स, बढ़िया स्टाइलिंग, और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं 4 से 5 लाख रुपए में गाड़ी, देन इट मेक्स वर्थ टू वेट फॉर Hyundai Santro, बिकॉज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको ये Hyundai की फर्स्ट EMT कार भी मिलेगी। इसके बाद जो Hyundai अपनी सेकंड कार लॉन्च करेगी, दैट वुड बी इन द बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर 1920, अप्रैल 2019 में आपको मिलेगी ऑल न्यू Hyundai सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV, जो कम्पीट करेगी अगेंस्ट मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन एंड फोर्ड इको स्पोर्ट से। देखिए SUV कार्स का जमाना है और Hyundai इंडिया बेहतरीन तरीके से बात को जानता है। Creta इज पिश इन द मिड सेगमेंट, मारुति सुजुकी ब्रेजा, फोर्ड की इको स्पोर्ट, टाटा मोटर नेक्सॉन, ये प्राइसिंग के बेस पे एक अपना बेहतरीन मार्केट बना लिया है। और Hyundai जो एक कार्लिनो कार उन्होंने 2016 के ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले की थी, वही का प्रोडक्शन वर्जन आपको 2019 के अप्रैल में इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। Hyundai की बेहतरीन USP, बढ़िया स्टाइलिंग, कार का ओवरऑल डिजाइन क्यूज, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ प्लस कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ आपको ऑल न्यू Hyundai कार्लिनो इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में मिलेगी। और उसके बाद Hyundai इंडिया लॉन्च करेगा ग्रैंड i10 और Xcent का नया जनरेशन। देखिए Hyundai जान रहा है कि ये हैचबैक सेगमेंट और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट बहुत ही फियर्सली कॉम्पिटिटिव हो गया है, और आज की तारीख में इन गाड़ियों को सेल करने के लिए दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एक्सचेंज बोनस एज पार्ट ऑफ कंज्यूमर ऑफर ऑन ग्रैंड i10 एंड Xcent। बड़ा ही फियर्सली कॉम्पिटिटिव हो गया है, डीलर्स के मार्जिन काफी श्रिंक हो गए हैं ऑन सेल ऑफ दीज कार्स। हालांकि वो फाइनेंस के रूप में, एसेसरीज के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, या गाड़ी की ओवरऑल सर्विसिंग के रूप में उसमें थोड़ा पैसा बना रहे हैं, बट न्यू कार सेल करते हुए उनके गाड़ी के जो मार्जिन है वो बहुत ही श्रिंक हो गए हैं, 1 लाख रुपए तक के डिस्काउंट बेनिफिट्स है। और Hyundai इसीलिए 2019 के मिड में लेके आ सकता है ग्रैंड i10 और Xcent का नया जनरेशन, जो बिल्कुल नए आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, प्लस गाड़ी की जो ओवरऑल हैंडलिंग है, गाड़ी के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ नए सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स के साथ, सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड के साथ आपको ऑल न्यू ग्रैंड i10 और Xcent मिलेगी। और इसके बाद 2019 में Hyundai इंडिया लेके आ सकता है अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, विच वुड लाइकली बी इलेक्ट्रिक SUV, Hyundai Kona। Hyundai इंडिया जानता है कि इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर है, और Kona पे उन्होंने 2018 के ऑटो एक्सपो में ऑलरेडी डिस्प्ले किया था उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन आपको 2019 के फेस्टिवल सीजन में मिल सकता है। अब देखिए Hyundai इंडिया स्टडी कर रहा है इलेक्ट्रिक मार्केट को, देखते हैं गवर्नमेंट क्या सब्सिडी ऑफर करता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, क्या रोड टैक्स कम करता है कि नहीं करता है, उन सभी के बेसिस पे Hyundai प्लान आउट करेगा Kona का इलेक्ट्रिक वर्जन रोल करना। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है सो Hyundai में पॉसिबली लॉन्च दिस कार 2019, अदरवाइज इस गाड़ी की जो लॉन्च 2020 में शायद हो सकती है। और अब बात करते हैं 2020 की, तो देखिए 2020 में Hyundai इंडिया लेके आएगा एलीट i20 का नया जनरेशन। Hyundai इंडिया जान रहा है कि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट भी काफी फियर्सली कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है, और एलीट i20 में कुछ तब्दीलियां करके गाड़ी के चैसी प्लेटफॉर्म में, कार के इंजन के अंदर
कार की बिल्ड के अंदर, कार की स्टाइलिंग के अंदर आपको ऑल न्यू एलीट i20 लेके आएगा। उसके बाद Hyundai इंडिया वुड पॉसिबली कम आउट विद क्रेटा का नया जनरेशन जो आएगा सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में, और जिसकी की हाईलाइट होगी कि क्रेटा में अपार्ट फ्रॉम रेगुलर 5 सीटर आपको एक 7 सीटर वर्जन भी और अवेलेबल होगा। तो जो लोग चाहते हैं स्पेशियस 7 सीटर कार, उनको ऑल न्यू Hyundai क्रेटा पसंद आएगी। ये थे आने वाले कुछ 7 मॉडल्स जो एक्सपेक्टेड हैं अगले 24 से 30 महीने में। बाय द एंड ऑफ 2020 Hyundai इंडिया चाह रहा है उसका मार्केट शेयर ग्रो कर जाए 15% से जो अभी है वो 20% तक, ताकि वो इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में और बढ़िया डोमिनेंस बना सके। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं Hyundai की कोई अपकमिंग कार्स, तो आप इन मॉडल्स के लिए रुक सकते हैं, बिकॉज कार्स आर बीइंग बॉट फॉर लॉन्गर टर्म और आपका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, बिकॉज दिस वेट वुड बी वर्थ अ वेट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल माइकर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आगे जरूर शेयर करिए उन बायर से जो कंसीडर कर रहे हैं Hyundai की कार्स, या दोज हु आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार इन नेक्स्ट ईयर और प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।